वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज की सीन ये है, आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपके वहाँ पे चल रहा होगा, जब वीडियो चलेगी तो जब वीडियो आएगी। सो बेसिकली आज हम बहुत 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 दिनों बाद दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें टाइम मिल रहा था, पेपर वगैरह चल रहे थे हाफ ईयरली, मेरे कल ही पेपर खत्म हुए हैं, आज मैंने थोड़ा वीडियो बना दी और आज ही डालू डालूंगा, आज ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। सो बेसिकली आज हम आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाले, कुछ नया दिखाने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना परफ्यूम कलेक्शन, बेसिकली फ्रेगनेंसेस कलेक्शन। तो परफ्यूम कलेक्शन बहुत सारे परफ्यूम है और सबसे पहले मैं आपको मेरी चॉइस बता दूँ परफ्यूम की। मुझे वाले परफ्यूम अच्छे लगते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि जैसे कोई बंदा वहाँ खड़ा हो, देखो वहाँ पे दिख रहा है, वो वहाँ पे खड़ा हो, उसे वहाँ से यहाँ तक पता चल जाए कि हाँ मैं हूँ, मैं ही परफ्यूम लगाता हूँ और इतनी इतनी महका है। तो ऐसे परफ्यूम बढ़िया लगते हैं, सच्चे बढ़िया लगते हैं, इंटरेस्टिंग से लगते हैं एकदम से, कि एकदम से भाई बहुत चल रहा है, यहाँ कौन चल रहा है, यहाँ पे कैसे चल रहा है, इसने परफ्यूम लगा रखा है, तो इस परफ्यूम बड़ा लगता है। तो ऑलमोस्ट जो इसकी स्मेल्स होंगी, फ्रेगनेंसेस होंगी, जो भी मेरे सारे परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपको तो फ्रेगनेंस फिर आप स्मेल नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको मैसेज जो जिन लोगों को थोड़ा थोड़ी लाइट स्मेल पसंद है, मतलब ज़्यादा स्मेल नहीं होनी चाहिए, वो स्मेल पसंद है, उनको भी उनकी तरफ से भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। और जिनको बहुत ज़्यादा तेज स्मेल पसंद है, बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्मेलिंग पसंद है मेरी तरह, उनकी तरफ से भी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे मेन परफ्यूम। आप परफ्यूम नहीं कहोगे, इसे फ्रेगनेंस कहोगे, इसे आप इत्र के नाम से जानते हो। और देखिए ये इत्र है, सच्ची ये इतना अच्छा इत्र है, इतना अच्छा इत्र है, मेरे सारे भाई बहनों के पास ये है, सबके पास ये वाला इत्र, ये हम खाड़ू शाम जी से लाए थे। बेसिकली ये शुरू में तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल नहीं करता, पर लास्ट में जाके, लास्ट में थोड़ी देर 15-10 मिनट बाद इतना बढ़िया स्मेल करता है ये, इतना बढ़िया स्मेल करता है। रोज़ की जो स्मेल होती है वो वैसे आता है, जैसे भूखे में रोज़ की स्मेल आती है ना, वो वैसे आती है। बेसिकली वाला जो एक ये एक लौता परफ्यूम है जो ज़्यादा स्मेल करने वालों के लिए भी अच्छा है और जो कम स्मेल करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाड़ू शाम जी से लाए थे हम सब, कितना सा बचाए लगा है, खत्म कर दिया। मैं वैसे इसे लगाना प्रेफर करता हूँ घर वगैरह में या वैसे सिंपल चीज़ में। नाउ शुरू करते हैं हम अपने, अब छोटे शुरू करते, छोटे से करते हैं। ये है हमारा बेला विटा का लग्जरी वो परफ्यूम, आप देख सकते हैं जैसे इसका मुझे लिखा हुआ इसमें AD परफ्यूम पढ़ सकते हैं मुझे लिखा, ठीक है गाइस। तो ये एक परफ्यूम है हमारा, और गोट भी लिखा है मुझे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इसे स्मेल करके दिखाते हैं आपको। ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे मैं भी ज़्यादा नहीं करूँगी, ये जो कम स्मेल वाले परफ्यूम्स लोग यूज़ करते हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूँ अच्छा नहीं, ये आप कभी मत लेना ना, बेला विटा का है ये कभी मत लेना, जिनको कम स्मेल पसंद है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और वैसे तो अच्छा है, मैं नहीं बुरा कहूँगा, मुझे तो अच्छा लगता है बेसिकली, अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाएँ तो अच्छा है ये, बाकी वैसे सिंपल यूजेस में ये परफ्यूम अच्छा नहीं है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये मुझे भी स्ट्रॉन्ग स्मेल लगती है, और लाइट स्मेल वालों के लिए तो बिल्कुल अच्छा है नहीं है। और अभी नेक्स्ट भी हमारे पास बेला विटा का ये लग्जरी CO, देखो कांची बॉटल होती है तो पकड़ने में वो होता है,
थोड़ी चाहिए इसमें आप ले सकते हो। इसे आप ले सकते हो अच्छी स्मेल है, पर लाइट स्मेल जो लोग लाइट स्मेल करना पसंद करते हैं उनके लिए ठीक ठीक है ये परफ्यूम 50-50 है। या आप ये स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले भी लगा सकते हैं और नॉन स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्क वेन्यू का, ये भी ऐसा सही है। पार्क वेन्यू एवदे परफ्यूम एफोरिया देखो एफोरिया, मुझे नीचे परफ्यूम ये जो लिखा है सबसे नीचे एवदे परफ्यूम ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप, कैसे बताओ रिकॉर्ड करके भेज देना कोई बात नहीं। ये आप ले सकते हो, वो पहले परफ्यूम्स की स्मेल रहती है ना तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, ले सकते हो आप इसे, पर लाइट स्मेल वाले नहीं ले सकते, जो लोगों को लाइट स्मेल करना पसंद है वो नहीं ले सकते इसे, स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी थोड़ी सी, क्योंकि दिमाग में चढ़ जाती है तो वो सुनते दिमाग में चढ़ जाती है। ये हो गया अब नेक्स्ट, ये सब तो थे ये हमारे इंडिया में अवेलेबल रहते थे ये सारे परफ्यूम, ये बेला वीटा का इत्र, इसके लिए इत्र इसके मुकाबले तो कोई नहीं हो सकता। पार्क अवेन्यू, ये तो चारों हैं परफ्यूम, ये चारों हमारे इंडिया में अवेलेबल रहते हैं, मैंने खुद इंडिया से लिए हैं, दिल्ली से लिए हैं बेसिकली। और जो नेक्स्ट 3 परफ्यूम्स बचे हैं हमारे लिए वो यहाँ के परफ्यूम नहीं है, बेसिकली थाईलैंड से लाए हैं, थाईलैंड से मंगवाए हैं बेसिकली। लग्जरीज इसमें जब हम हाथ पकड़ते हैं तब मस्त लगता है, देखो वे का परफ्यूम है, पता नहीं वहीं मिलता है थाईलैंड में, वे का ही है, वे का 100 ml है और ये बहुत ज़्यादा है, 100 ml बस। इसमें आपको बबल गम जैसी स्मेल आती है, बबल गम जैसी स्मेल आती है इसमें आपको, बबल गम जैसी स्मेल आपको इसमें, और बेसिकली ये दोनों के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत अच्छा, मैं आपको इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मस्त परफ्यूम है, इतना मस्त परफ्यूम है सच्ची, और मज़ा आता है लगा के एकदम से, बबल गम जैसी महक आती है इसके अंदर से, दोनों के अच्छा है। इसके बाद वाले दोनों जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल के हैं, वो भी वहीं थाईलैंड के ही हैं और स्ट्रॉन्ग स्मेल के हैं, लाइट स्मेल पहले यूज़ कर सकते हैं न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए। ये आपका रोमांस बैक परफ्यूम, बैक रोमांस बैक, और आप इसे वो करना स्मेल करके देख सकते हो, एक सुर में इतना सारा है, अब यहाँ रखोगे ना तब भी मुझे आ जाएगी, पीछे रखो तब भी तब तो आप जरा बॉडी पर लगाते हो बहुत सारा लगाते हैं आ जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे हम, लगा सकते हो सब, ले सकते हो सर, कोई परफ्यूम नहीं जैसे आप नहीं ले सकते, पर इसे और ये हो गया वे का, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ये भी मिस। नेक्स्ट बचा हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेशलिस्ट परफ्यूम, या
is the specialist perfume of my whole perfume collection. ये थाईलैंड से है, ये थाईलैंड से है, जो लास्ट के दिन थे वो सब थाईलैंड से आए. और मतलब सो फ्लैशी ब्लैक परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी बहुत ज़्यादा. लाइट स्मेल वाले लोग इसे नहीं यूज कर सकते, स्ट्रॉन्ग स्मेल है बहुत ज़्यादा. अब जैसे कि मैंने आपको अपने सारे परफ्यूम कलेक्शन सारे परफ्यूम दिखा दिए, जैसे ये बेला विटा का, ये बेला विटा का ये वाला, ये रोमेंस बैग, फ्लैशी बैग, पार्क वेन्यू, इत्र स्पेशल इत्र एंड द वेवे. आज वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप के साथ. बाय बाय.